नमस्कार साथियों, आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज पर कई छात्रों का फोन आ रहा था। कई छात्रों का कई समस्याओं को लेकर के बात जानना चाहता था साथियों। तो जब तक हम लोग किसी चीज़ पर क्लेरिफाई नहीं कर लेते हैं और जब तक उस पर हम लोगों का कोई क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उस पर कोई बयानबाजी करना उचित नहीं समझते हैं। साथियों, जब से रेलवे का एग्जाम हुआ है, तब से काफी छात्र लोग परेशान हैं। किसी का रिजल्ट हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, किसी का पॉइंट में अटक गया, किसी का बहुत ये हो गया है। इसी सब बिंदु पर हम अपने तरीके से कुछ बात करना चाह रहेंगे। हो सके किसी को हमारी बातें पसंद आएगा और किसी को नहीं आने वाली है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ईमानदारी से ही कार्य हो इसके लिए हर समय हम लोग प्रयास करते हैं। साथियों, अभी तक जो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन ने सफलतापूर्वक अपना संघर्ष का रूप दिया है, जिसका आज नतीजा है, कई छात्र रेलवे अप्रेंटिस में बहाल हो रहे हैं। कुछ लोग बच जा रहे हैं, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ रेलवे बोर्ड नहीं हो सकती है या रेल मंत्रालय नहीं हो सकती है, उसका कारण कहीं न कहीं छात्र भी है जो विफल रहा है। लेकिन फिर भी मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि हर उन छात्रों का रेलवे में समायोजन हो जाए, जिससे कि लोगों का रोजगार मिल सके। साथियों, कुछ लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन को तैयार कर रहे हैं और कोई लोग गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कई छात्र ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे भी चल रहे हैं। हम लोग एसोसिएशन के तमाम पुराने साथीगण संयम से लड़ाई लड़ने का आज जो नतीजा है वो आपके सामने है, और आगे भी आपको भरोसा दिला सकते, संयम से ही कोई कार्य करने से ही सफलता पूर्वक लगती है। और लड़ाई का सबसे पहला रूप अनुशासन होना आवश्यक जरूरी होती है। जब आपकी लड़ाई में अनुशासन नहीं रहेगा, तो आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। साथियों, आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन इस बात के साथ, दावे के साथ कह सकता है कि जो लाभ मिला है रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो फैसला माननीय रेल मंत्री जी ने किया है और रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। कुछ लड़कों का नंबर कम आया है, वो सीधा सीधी रेलवे बोर्ड को ही दोषी मानता है। सच्चाई पूछिए तो दोषी कोई इसमें नहीं है। कुछ कमियां अपने ही अंदर में होने की वजह से ही लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाया, नहीं तो इतना अच्छा पॉलिसी बना है कि सब लोगों का जिंदगी भविष्य उज्जवल हो सकता था। साथियों, कुछ लोग कोर्ट केस की बात करते हैं, कुछ लोग आंदोलन करने की बात करते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आप कोर्ट केस की बात करते कोई फायदा नहीं है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं आप जितना दिन कोर्ट में वक्त देने के लिए तैयारी कीजिएगा, उतना दिन में आप अपनी नए वैकेंसियों में बहाल होने के लिए मेहनत कर लीजिए, नहीं तो फिर पता चलेगा फालतू वक्त में आपका समय बर्बाद हो गया, कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो गया, वैकेंसी दे दिया और उसमें भी आप नहीं आ पाइएगा, और किसी कारण से, गलत गतिविधि के कारण से जो लाभ मिला है अगर वो भी खत्म हो गया, तो फिर वो जो वैकेंसी आ रही है उसमें भी आप कहीं ना कहीं इससे वंचित ना हो जाए। जो मिला है लाभ उसको भी बचाना आपके हाथ में है। ज्यादा अधिकारियों को तंग कीजिएगा और ज्यादा रेलवे बोर्ड को तंग कीजिएगा बेफजूल का, तो कुछ ऐसा वैसा फिर पॉलिसी बना देगा, तो फिर आपका भविष्य अंधकार में चले जाएगा। जो कमी है आपके साथ एसोसिएशन खड़ा है और आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है,
आपको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं तो ही कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए तमाम संगठन के पुराने साथी लोग भी कुछ से कुछ कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि ढिंढोरा पीट करके ही किया जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि हंगामा करके ही किया जाएगा, लेकिन जो प्रयास की जा रही है पुराने साथी अनुशासन में रह करके ही करता था, करता है और करता रहेगा। आज भी हम लोग बैठक किए, बैठक कर करके हम लोगों के क्षेत्र में माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी आ रहे हैं, जिसको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या, क्योंकि जो भी आज लाभ मिला है वो माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी के द्वारा मिला है, इसके लिए हम तमाम ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्रों की तरफ से माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे लोग थे जो आज भी लाचार बेबस इन छात्रों को भुखमरी के कगार से रोजी रोटी की जो सपना पाले हुए थे उनका सफलतापूर्वक आपने उसका परिणाम दिया। आपके संघर्ष से हुआ, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के संघर्ष से हुआ। कुछ लोगों को नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली हरकतें होती है, अपनी गलतियों को नहीं देखता है कि हम 10 नंबर 20 नंबर नहीं ला पाए तो फेल हो गए। सीधे सीधे रेलवे बोर्ड को दोषी बना देना, सीधा ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के लोगों को दोषी बना देना, आज आपको पता नहीं है, निश्चित लिखिए आज जो रास्ता बना है उसी रास्ता पर आने वाला दिन में आपको चलना पड़ेगा, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकती है। आज जो बदलाव हो सकता है उस पर आप लड़ नहीं सक रहे हैं अनुशासन बना करके। मेरा मानना था जो सीट खाली है वह सीट पर ही आप अपना अधिकार का वर्चस्व दिखा सकते हैं, वह सीट पर हमारा साफ साफ रीजन है लड़ाई का कि जो 20% का रिजर्वेशन आरएससी में हम लोगों को मिला है, सीट खाली रहने पर जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी को छात्र की कमी होने के वजह से 2% का छूट देकर के बुलाया गया, हम तमाम उच्च अधिकारियों से और माननीय एआईएलएफ के महामंत्री जी से मांग करते हैं इन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के आधार पर आप उन छात्रों को भी संख्या कम होने की वजह से कुछ कटअप कम करके बुला लीजिए, जिससे कि उनका भविष्य सवर सके। इन्हीं मांग को लेकर के हम लोग माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करना चाहते हैं और आ रहे जमालपुर में, और अपना डिमांड में बस एक ही डिमांड देंगे उनको, और अनुशासन में रह करके और माननीय महोदय जी से मांग करेंगे कि हमारी बात को सरकार तक रखिए, जो सीट खाली है पीडब्ल्यूडी के तरह पीडब्ल्यू के जिस तरीके से छात्रों की संख्या कम होने की वजह से नहीं छात्र होने की वजह से जैसे बुलाया गया उसी तरीके से उन छात्रों को भी बुला ले जिसका नहीं हो पाया है छात्र। अगर सीट भर गया है तो कोई बात नहीं है, अगर सीट खाली है तो सबसे पहले उन छात्रों को दिया जाए मौका जो सीसीए छात्र हैं, उसके बाद सीट छात्र नहीं है उपलब्ध तो वो जनरल को दे दें, कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा रिजर्वेशन का सीट छात्र नहीं, छात्र का भी कमी होने के वजह से खाली जा रहा है, तो वो जो हमारा सीट छात्र नहीं कमी होने के वजह से जो जा रहा है वो हमारे जो कट ऑफ कम कर करके उन छात्रों को भी ले लिया जाए, जिससे कि वह सीट भर जाए। और जो लोग माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी के बारे में उत्पटांग बयान देते हैं वह अपनी हद में लिमिट रहे। आज जो मिला है वह आज उनका देन है, आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का संघर्ष का देन है। नहीं तो उस समय भी हम लोग लड़ाई जब लड़ रहे थे बहुत लोग कोर्ट जा रहा था, जरा उनसे पूछिए जो कोर्ट गया था उसका निर्णय क्या आया, और उसका निर्णय क्या आएगा, उसका निर्णय नहीं आया है और नहीं आएगा। जिस तरीके से जीएम पावर बंद कर दिया गया आपके एक गलत फहमी और गलत लड़ाई के कारण से, अगर इसमें भी बदलाव कर करके खत्म कर दिया जाएगा तो फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए एक डिमांड साफ साफ सबको, उसके सिवा कुछ मत कीजिए, सीसीए कैंडिडेटों का जो सीट खाली है जिस तरीके से हैंडीकैप कोटा को
छात्रों की कमी होने के वजह से 2% का छूट देकर के बुलाया गया, उसी तरीके से तमाम उन छात्रों को भी कुछ ग्रेस मार्किंग दे करके उसे डीबी में बुला लिया जाए या सेकंड लिस्ट का कुछ ऑप्शन निकाल करके उनको बुला लिया जाए। किसी तरीके से 18,000 सीट सिर्फ और सिर्फ सीसीए छात्रों से भरे। मेरा लड़ाई साफ और मेरा लड़ाई संघर्ष से है, और ना ही एसोसिएशन कोर्ट जाएगी और ना ही एसोसिएशन का लोग कोर्ट कचहरी जाने वाली है। और जो लोग छात्र कोर्ट कचहरी जाने की बात करते हैं, वो पहले रेलवे का पॉलिसी को समझ लीजिए, और रेलवे जितना लाभ दिया है आप उनके अंदर में अगर आपको छूट से तकलीफ हो रही है तो कोर्ट जा रहे हैं, अगर वो बंद कर देगा तो भैया बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए आप मांग कीजिए, अनुशासन में कीजिए, शांति से कीजिए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जिसके सामने करना है कीजिए, पर अनुशासन में रह करके कीजिए, यही बिंदु है। और हम उन तमाम छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो आज रेलवे में बहाल हो रहे हैं, सब लोगों का जो जो लोग पास किए हैं, लगभग 20 छात्र तो पास किए नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं 1/3 और 2/3 का लाभ के बाद ही वो रेल के अंदर में जा रहे। बहुत कम ऐसे छात्र है जो 40 और 30 लाभ पाया। और अगर ऐसा लड़ाई जीत हासिल नहीं होता तो आज पूरा का पूरा 18,000 सीट खाली जाता, मुश्किल से 1,000 सीट भरता। लेकिन चलिए, जो सीट भर रहा है उन छात्रों का भी खुशी खुशी हम लोग स्वागत करेंगे, और उनसे अपील करेंगे कि आपके योग आपके लड़ाई आज जो लोग रेलवे में जा रहे हैं वह कहीं न कहीं जो छात्र का नहीं हो पाया है वो भी आपके आंदोलन में लड़ाई में योगदान था, आज उनका भी नहीं हो पाया है, तो उनके लिए भी अगर आपको एक ट्वीट करना पड़े तो आप एक ट्वीट जरूर कीजिए, कहीं बात रखने का एक मौका मिले उन छात्रों के लिए भी एक बात रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो आपके संघर्ष करने में आपका योगदान था, उन लोगों का भले किसी कारण से नहीं हो पाया होगा, कोई भी कारण हो सकता, बहुत ऐसे लोगों का 2/3 1/3 के कारण से नहीं हो पाया, किसी का कटअप कम कर गया, नॉमिनेशन में हो गया, कुछ कारण भी हो सकता, लेकिन उनके लड़ाई में आप एक ट्वीट से एक योगदान उसके लड़ाई में आप साथ दीजिए। ये अहम नहीं होनी चाहिए कि आपका हो गया तो उनका नहीं हुआ है, उनका हो गया तो उसका नहीं, ये आपके अंदर में अहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप भी इसी लाइन पर खड़ा थे, और आज एक ऐसा समय है कि आज वो इस लाइन पर खड़ा है, कल अगर इसी लाइन पर आप खड़ा थे तो लड़ाई लड़ी गई, आप जीत गए, और आज के लिए लड़िएगा तो वो भी जीत जाएगा। तो सबका दिल साफ होकर के आप उन छात्रों की लड़ाई में भागीदारी बनिए एक ट्वीट से भी, कि अप्रेंटिस का जो लड़का का नहीं हो पाया उसके लिए आप लोग जो हो सकता है एक ट्वीट कीजिए, एक पोस्ट कार्ड कीजिए, एक अपने तरफ से जो हो सकता है उनके लिए कीजिए, और लड़ाई खाली सीट पर भर जाए अप्रेंटिसों से, छोटी सी लड़ाई है, अगर मान गया तो ठीक है, अगर नहीं मान पाता है तो आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी में रहिए। कोर्ट कचहरी जाने से कोई फायदा नहीं है, हम देखे हैं बहुत लड़का, हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत लोग कोर्ट गया था, कचहरी गया था, छात्र का पैसा भी ठक लिया, पैसा ठकने के लिए ही कोर्ट कचहरी बहुत लोग जाता है, ये वाजिब बात है, ठीक है। और सच्चाई में लाभ जो मिला है संघर्ष करने के बाद भी मिला है, ईमानदारियों से लड़िएगा लाभ मिलेगा, और लड़िए सच्चाई से लड़िए, जो समस्या है उसको मुख्य बिंदु बना करके लड़िए। अभी फिलहाल एक ही लड़ाई है जो खाली सीट है, 20% का रिजर्वेशन में जिस तरीके से PWD का छात्रों की संख्या कम होने की वजह से उसको 2% छूट दे करके बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं CCA कैंडिडेट में छात्रों की कमी है, वैसे छात्र को भी आप एक नोटिफिकेशन निकाल करके बहाल कीजिए। हम लोगों का इतना ही मांग है, प्रयास इसके लिए कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी आ रहे हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे, अगर वो मानने के लिए तैयारी है तो भी ठीक है, और नहीं अगर मानते हैं तो हम अगले वैकेंसी के लिए डिमांड करना चालू कर देंगे, यही हमारी लड़ाई रहेगी, और अंतिम मेरा लड़ाई का फैसला यही रहेगा, कट ऑफ कम कर करके जो छात्र का नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि छात्र कम है सीट ज्यादा है तो कुछ 19-20 कर करके ले लिया जाए, यही मांग करेंगे। और कोई भी गलत
गतिविधि छात्रों से अपील करेंगे मत कीजिए, यह लड़ाई से जो लाभ मिला है बहुत मेहनत खून पसीना से लोगों के लिए बहा करके लिया गया है, कई लोगों की इनके चक्कर में आत्महत्याएं हुई है, कई लोग निराश होकर के बहुत टूट चुका था, आज उनका नौकरी हो रहा है, कोई गलत गतिविधि मत कीजिएगा जिससे कि उन छात्रों को नुकसान हो। आप संयम से रहिए, आपका भी फैसला आएगा, क्या कीजिएगा, बहुत लोगों का नहीं हो पाया, हमारे ही कई ऐसे मित्र हैं, हम लोगों का भी नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग हताश नहीं होते हैं। आप शांतिपूर्वक मांग कीजिए और पुराने साथियों का भरोसा रखिए, वो आपके लिए कभी गलत नहीं चाहा, नहीं चाहा था, नहीं चाहेगा, वो जो हो सकता है वो करेगा, जो होने लायक होगा वही करेगा, आपको गलत रास्ता बता करके आपके आपसे गलत काम नहीं कराएगा। आप सोचिएगा कि आपके लिए रेल को नुकसान कर देगा, रेल को तोड़ फोड़ कर देगा, वो काम गलत कभी नहीं, वो पूर्व में किया था ना, अभी है और ना करेगा, ठीक है। अनुशासन में रहकर के जो मांग हो सकता है वो करेगा, अगर उससे सफलता हाथ लगेगी, ये विश्वास के साथ लड़ाई जारी है। अब 4 तारीख को हमारे क्षेत्र में माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी आ रहे हैं, शांतिपूर्वक जो हो सकता है करेंगे, और बिल्कुल विश्वास रखिए रास्ता सीट खाली है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए प्रयास है, क्या होगा नहीं पता, प्रयास करना चाहिए और प्रयास किया जा रहा है। इसी बात के साथ अपना वक्तव्य को विराम देंगे, इसलिए एक एक अप्रेंटिस साथी जिंदाबाद, गलत लोगों के बहकावे में मत आइए, सच्चाई से ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ही लड़ाई लड़ी है और AIRF के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी ने आपको साथ दिया है, तो आज उन्हीं पर भरोसा रख करके लड़ाई लड़िए, हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए, जो रास्ता में होगा वो आपका साथ देगा, जो हो ही नहीं सकता आप जबरदस्ती किसी को गाली दे करके या किसी को बात बोली करवा करके नहीं करा सकते हैं। कोर्ट का क्या काम है, वकील का क्या काम है, वकील के पास जाइएगा पैसा खाएगा, वकील तो चाहता है कि ऐसा ऐसा कुछ केस आए जिसमें कोई लाभ भी नहीं निकले लेकिन हम केस में पैसा कमा लें, इसीलिए आप गलत चीज में, जितना दिन आप केस में जाना चाहिए उतना दिन में वैकेंसी में आ जाइएगा। वैकेंसी महत्वपूर्ण है कि अभी वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी पर जोर होनी चाहिए, दूसरा जोर होनी चाहिए कि जो सीट खाली है उसका पहले हमको भर लिया जाए, कटअप करके मान गया तो ठीक है, या तो कुछ दिन के बाद वैकेंसी की लड़ाई में जोरदार से हम लोग समर्थन के रूप में उतरेंगे और वैकेंसी जल्द से जल्द आए, क्योंकि कई छात्रों का इस खत्म हो गया। और मेरा मांग इसलिए है कि आप कटअप को कम करके ले लीजिए, कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में काफी वक्त लगाया है लेने में, जिसके कारण से कई जनरल छात्रों का एज खत्म हो गया है, कई छात्रों का एज खत्म हो गया है, वो CCA सर्टिफिकेट का करेगा क्या, कम से कम वैसे छात्रों को तो जरूर उनको रेलवे बोर्ड को बुलानी चाहिए जिसका एज खत्म हो गया है, वो कहाँ जाएगा। आप 4 साल में वैकेंसी पूरा करवाते हैं, 5 साल में वैकेंसी पूरा करवाते हैं, वो जिसका एज खत्म हो गया वो क्या करेगा वो सर्टिफिकेट का। इसलिए सरकार को कम से कम छात्र के कमी होने के वजह से कटऑफ को कम करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि CCA कैंडिडेट का आपके भर्ती प्रक्रिया का लेट होने की वजह से कई लोगों का उम्र भी खत्म हो गया। इसी बात से हम रेलवे बोर्ड को और यहाँ चाहेंगे अवगत कराने के लिए माननीय मिश्रा जी को, और बहुत हम लोग अच्छा से सिस्टम तरीके से कार्यक्रम को करने का अनुरोध छात्रों से कर रहे हैं और करेंगे, अनुशासन में रह करके करेंगे और अनुशासन ही जीत का रास्ता खोलता है। इस विश्वास के साथ अपना वक्तव्य को विराम देते हैं, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।